नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। शादी का माहौल बेहद ही चकाचौंध से भरा होता है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान, मन में उत्साह होता है। फिल्मी गानों पर ठुमके लगाते हुए लोग अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, लेकिन ऐसे शादियों में अपने कई बार ऐसी वारदातें देखी होंगी जिसके होने के बाद शादी का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है। शादी समारोह में बंदूक से आतिशबाजियां, घोड़े घोड़ियों की प्रदर्शनी, उनको नाच नचाना, ये तो आम सी बात है। लेकिन ऐसे में कई बार कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिस पर फिर किसी का बस नहीं होता। एक ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया है जिसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शादी समारोह में आया पालतू हाथी ने जमकर तांडव किया। आइए खबर शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो पर नजर डालें। तो देखा आपने किस तरह से पालतू हाथी अचानक से पागल हो गया और बेकाबू हो गया। यह मामला सराय एनायत थाना क्षेत्र के अमलापुर मलवा गांव का है, जहां बारात आई थी, लेकिन बारात में आया हाथी अचानक से बेकाबू हो गया, जिसके बाद उसने ऐसा उत्पात मचाया कि जिस पे वो किसी पे काबू पे नहीं रहा। और फिर बेकाबू हुए हाथी ने पंडाल में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद गांव के कई घरों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इतना नहीं, हाथी इतना रौद्र रूप धारण कर चुका था कि वो बेकाबू हाथी महावत के भी काबू में ना रहा और उनसे भी बाहर हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि सूझबूझ का फायदा उठाते हुए दूल्हा देव आनंद त्रिपाठी ने बग्घी से भागकर अपनी जान बचा ली, वरना अनहोनी हो जाती। घटना की सूचना पर देर रात 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को मौके से हटाने में सफलता पाई और फिर उसे काबू कर लिया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से जब खुशियों के माहौल में अचानक से कोई विघ्न पड़ जाता है तो बात किस हद तक बिगड़ सकती है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।